हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम ओल का सब्जी बनाना बताएंगे कुछ इस तरह। ओल को धो के काट लिए हैं, काटने के बाद भी धो लिए हैं क्योंकि बहुत मीठी रहता है, इस वजह से काटने से पहले भी धो लिए, काटने के बाद भी धो लीजिए। दो प्याज लगेगा फ्रेंड्स, प्याज के भी छील धोकर काट लिए हैं। अब कढ़ाई चढ़ा देते हैं गैस पे और सरसों का तेल डाल रहे हैं दोस्तों। कम तेल में ही बनाएंगे, कम से दो से तीन चम्मच लगेगा। अब यहाँ तेज पत्ता डाल देते हैं, इलायची डाल देंगे दो, दालचीनी डाल देंगे आधा इंच, लौंग डाल देंगे फ्रेंड्स, घोल की डाल देंगे काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। अभी सब चटक जाएगा तो प्याज डाल दें दोस्तों। प्याज को ब्राउन होने तक भूनना है अच्छी तरह से ताकि कच्चापन चला जाए। ओल इस तरह से बनेगा दोस्तों, इसके आगे मटन भी फैल है, खाने में बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट बनेगा, कुछ इस तरह से बनाइएगा। तो यहाँ पे नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे फ्रेंड्स, अब सबको भूनेंगे ब्राउन होने तक। अब कटा हुआ ओल डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से भूंजेंगे दोस्तों, भूनते रहेंगे, नीचे लटकने नहीं देना है, ढक ढक कर भूंजेंगे क्योंकि सीझना भी तो है फ्रेंड्स, नहीं ढकेंगे तो फिर सीझेगा कैसे, इसलिए बीच बीच में ढक देना है इसको, सिम में ही भूनना है इसको, नहीं तो जलने लगेगा फ्रेंड्स। देखिए लटक रहा है क्योंकि इसमें कम तेल डालना है ना फ्रेंड्स, हेल्दी भी बनाना है स्वादिष्ट भी बनाना है, इसलिए ज़्यादा तेल नहीं डालना है फ्रेंड्स। देखिए कम तेल में बना रहे हैं। अब यहाँ मसाला डाल देंगे, जो रेगुलर यूज़ करते वही है, हल्दी तो डाली दिए, नमक डाली दिए और इसमें सब गोटा मसाला पीस दिए फ्रेंड्स, जैसे जीरा हो गया, गोलकी हो गया, मिर्चा हो गया, आदि हो गया, धनिया हो गया, यही सब डाले हैं फ्रेंड्स। सब भुंजा रहा है बहुत अच्छी तरह से, सिम आँच पे भुंजेगा, सिम गैस का फ्लेम सिम होना चाहिए। फिर ढक दीजिए इसको, अब भुंज ब्राउन हल्का हल्का होने लगा है, अब गरम पानी हल्का होने दीजिए, उसके बाद ये भुंजा हुआ ओल डाल दीजिए।
सारा ऑयल डाल दीजिए इसमें। अब प्रेशर आने तक इसको सीटी लगाएंगे, फिर सिम कर देंगे। एक सीटी आ जाए फिर सिम कर दीजिएगा। अब इसको सिम कर देना फ्रेंड, सिम। देखिए इस तरह से हो गया, बन गया। अब इसमें थोड़ा गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डाल दीजिए इसमें, और फिर गरम मसाला डालने के बाद थोड़ा इसको खौला, मतलब फिर थोड़ा सा गरम कर लेंगे, खोला लेंगे, मतलब थोड़ा इसको अच्छा से, मतलब गरम मसाला का सेंट पूरा सब्जी में मिल जाए। देखिए बन के इस तरह से कुछ तैयार हो गया दोस्तों। खाने में चावल या रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। आप इसको घर पर ट्राई करें, बनाएं, सबको खिलाएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स। टाटा, बाय बाय।